नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू ऑफिशियल बिहार वाला। दोस्तों मैं साउथ अफ्रीका में रहता हूं और आज आप सभी को साउथ अफ्रीका की कंपनी के बारे में बताऊंगा। आज 5 कंपनी के बारे में बताऊंगा जो साउथ अफ्रीका में नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैं गल्फ़ के बारे में भी बताता रहता हूँ, गल्फ़ की कंपनी के बारे में भी, लेकिन आज आप सभी को साउथ अफ्रीका कंपनी के बारे में बताऊँगा ताकि कोई भाई हमारे साउथ अफ्रीका में आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम दिक्कत ना आए। दोस्तों चलिए बताता हूँ 5 कंपनी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, इसलिए कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। गल्फ़ के मुताबिक यहाँ बहुत ही गर्मी कम है, बहुत ही जीरो है। और दोस्तों यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आप सभी को तो मालूम है पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, और यहाँ पे अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यहाँ पे बरसात के साथ साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा लगता है। दोस्तों यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि वहाँ के गल्फ के मुताबिक, बाकी कंट्री के मुताबिक साउथ अफ्रीका में यानी कि धूप तो होता ही है लेकिन उतना तेज़ नहीं होता है कि आदमी को नुकसान हो या उससे आदमी परेशान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट मौसम है यहाँ का। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला था 5 कंपनी का नाम। तो दोस्तों जिसमें पहला नाम आता है एस्टे फैनउटी स्टॉक्स। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और दोस्तों ये काम क्या क्या कराता है इसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपका ये मटेरियल है, मटेरियल भी रखता है, बाकी सब कंपनियों को भी देता है मटेरियल स्टॉक, बहुत सारा काम है दोस्तों इसका। तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें भी आप लोग आएँ आप सभी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बहुत हैवी बिल्डिंग बनाता है दोस्तों इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों उसके बाद है बेसिल रीड कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों ये भी साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों ये सब कंपनियां जो मैं बता रहा हूँ ये ओनली इंडिया सबसे ज़्यादा स्टाफ को बुलाता है, क्योंकि लेबर यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टाफ को ज़्यादा बुलाता है, लेबर को नहीं बुलाता है। जैसे कि जो मैकेनिकल टाइप के हो गए उनको बुलाता है, जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ से बुलाएगा लेकिन कम वहाँ पे सबसे यानी कम हायर करता है, कम आदमी को हायर करता है, ज़्यादा आदमी को हायर नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के आदमी रहेंगे 10 तो वहाँ इंडियन आदमी रहेगा एक आदमी रहेगा, उसके साथ में एक या दो रहेगा साथ में काम करने वाला। कारपेंटर को ले लीजिए तो यानी कारपेंटर रहेंगे 10 तो इंडियन रहेंगे उसमें एक, ऐसा सिस्टम है दोस्तों। इसलिए कि पूरा आदमी इंडियन ही नहीं रहते हैं, आदमी यहाँ के वर्कर जो हैं साथ में मिल के काम करते हैं दोस्तों। इसलिए जो भाई को काम पूरा नॉलेज है, पूरा जानकारी है, वही आएंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। इसलिए जो काम कम जाते हैं वो आएंगे तो 10 आदमी के साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, एक आदमी और होंगे तो। ठीक है ना दोस्तों उसके बाद आपका आता है डब्ल्यू के कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसका भी काम वही रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा ये भी दोस्तों काम कराता है। जैसे कि आपको मैं बताया बेसिल रेड कंस्ट्रक्शन, दोस्तों ये भी आपका रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है वो सब कराता है दोस्तों। इसको जो काम मिल जाए, गटर का काम, जो भी काम मिल जाए, सब ये दोस्तों ये काम कराता है दोस्तों। अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा ये लोग अकाउंटेंट हो गए, आपका स्टोर कीपर हो गए, आपका इंजीनियर हो गए, ये सब आदमी हायर करता है दोस्तों ये कंपनी सब। ठीक है दोस्तों उसके बाद है आपका रूबेक्स बिल्डिंग। दोस्तों रूबेक्स बिल्डर्स, दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप लोग ये इस कंपनी में भी आते हैं तो सभी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में इसको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी। ये भी आपका रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माने इसको जो काम मिल जाएगा दोस्तों सब काम कराता है। ये कंपनी बहुत ही अच्छा है और आप लोग इस कंपनी में भी आएंगे तो आप सभी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कराता है दोस्तों।
दोस्तों उसके बाद है मुर्रे रोबर्ट्स। दोस्तों इसका थोड़ा नाम फ्रेंच में है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। मुर्रे रोबर्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। ये भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कराता है। मैं जितना भी कंपनी का नाम बताया हूँ दोस्तों, सब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कराते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, आपका ब्रिज का काम कराता है, आपका स्ट्रक्चर का भी ये काम कराता है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोग इसमें भी आते हैं तो आप सभी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैंने ये जो पांच कंपनियों का नाम बताया साउथ अफ्रीका का आप सभी के लिए, तो ये पांच कंपनी में अगर आप सब आ जाते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए कि कंपनी जो भी है रियलिटी है, अच्छा है कंपनी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गल्फ में सप्लाई कंपनी बहुत ज़्यादा होता है, आप सभी को मालूम है। गल्फ में मैं भी काम किया हूँ तो आदमी को फंसने का डर रहता है। तो दोस्तों ये कंपनी सप्लाई नहीं है, इसमें आएंगे तो इसका खुद का काम है, खुद का इसका जो भी है बिल्डिंग बनाता भी है और सेल भी करता है दोस्तों। और ये एक जो कंपनी है सब ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग भी बनाती है, बहुत सारा काम करता है दोस्तों। इस पांचों कंपनी जो मैंने बताया है आप सभी को, आप लोग अगर इस कंपनी में आएंगे तो आप सभी कोई प्रॉब्लम दिक्कत होने वाला दोस्तों नहीं है। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।